This news is brought to by Shiva Group of Institute Bilaspur. पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर कोटला में निर्मित होने वाला पुल अभी भी कोटला बाजार के दुकानदारों व स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। पुल की जर्जर स्थिति को मद्देनजर रखते हुए पुल पर वाहनों की आवाजाही तो सुचारू कर दी गई, लेकिन दोनों तरफ अप्रोच कच्ची है। पुल पर कोल तार नहीं बिछाई गई है और जब भी कोई वाहन पुल से गुजरता है तो धूल बाजार तक पहुंच जाती है। बुद्धिजीवियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि अति शीघ्र कोटला पुल का कार्य पूरा करवाकर इसका लोकार्पण किया जाए। ये जो काम चल रहा है कोटला पुल का, तेरे एक साल से धूल यहाँ पे काफी उड़ रही है और यहाँ पे लोगों का बड़ा बुरा हाल है। सब्जियां, मिठाइयां और खाने पीने की चीजों में इतना नुकसान हो रहा है, आधे लोग तो बीमार हो चुके हैं कोटला के, और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, ना तार कोल डाल रहा है ना कुछ कर रहा है। इसके लिए जल्दी से विभाग वालों को बोल देते हैं कि जल्दी से जल्दी काम करें, नहीं तो कुछ गलत काम हमें उठाना ना पड़े। के माध्यम से प्रशासन को ये बोलना चाहता हूँ, जो कोटला एंड नेशनल हाईवे पठानकोट मंडी पे स्थित है, यहाँ पे जो पुल है सर, वो 8-9 साल से उसका काम चला हुआ है और धूल मिट्टी डाल के 6 महीने से विभाग लापता हो गया है और स्थानीय जनता बड़ी परेशान है। यह धूल के कारण हमारा स्वास्थ्य और दुकानें खराब हो रही हैं और प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसका जल्द से जल्द सुधार किया जाए और इस पर कोलदार बिछाकर हमारे स्वास्थ्य से ठीक किया जाए। ठीक है सर भाई, मैं जाऊं ठहर दो भाई। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इस टाइम कोटला के नेशनल हाईवे पे खड़ा हूं और मेरे सामने पीछे आप देख रहे हैं कि ये नेशनल हाईवे 154 है और कोटला का पुल जो पिछले 20 सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन है वो अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है। 31 मार्च को इस पुल को ओपन किया गया था, पर यूँ समझो कि इस पुल का काम कछुए की चाल की तरह चला हुआ है। धूल ही धूल, सभी दुकानदार परेशान है, जो भी यहाँ कोटला में आता है उतर के उसे रुमाल अपने हाथ मुंह पे लेने पड़ता है ताकि ये धूल उसे नुकसान ना पहुँचाए। तो मेरी PWD डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पुल को जल्दी से जल्दी काम को कम्प्लीट किया जाए ताकि यहाँ सभी लोगों को जो परेशानियों को फेस करना पड़ रहा है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, क्योंकि इतने दिनों से इस पुल का काम चला हुआ है। ये पुल तकरीबन 100 साल पुराना है जो इसके साथ, जिसे आज भी हम यूज़ में लेके आ रहे हैं, पर इस पुल का काम बहुत ही धीमा चला हुआ है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए जवाली से सुनील दत्त की रिपोर्ट। शिवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर एक वैल्यू बेस्ड शिक्षा संस्थान, बीटेक, पॉलटेक, बी फार्मेसी प्रैक्टिस, डिप्लोमा इन फार्मेसी, BAMS, BEd कॉलेज, गुणवत्ता सहित संस्कार मिश्रित विश्व स्तरीय शिक्षा शिवा ग्रुप की पहचान है। सालाना फीस अन्य सभी संस्थानों से कहीं कम, कैंपस प्लेसमेंट में सबसे अग्रणी, छात्र छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल, हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, एडमिशन ओपन, 70% से अधिक अंकों पर पाएं आकर्षक स्कॉलरशिप। देर न करें, आज ही संपर्क करें या फिर लॉगिन करें। लिमिटेड सीट्स ओनली।